चली गई थी वापस आई तो थी उस दिन, तभी तो तुम लोग पूछ रहे थे कि ओ माय गॉड क्या बोल रहे हो। जैसे मैंने इसने आपको बैलेंस शीट बताई, कहीं नहीं बताई, कभी आती नहीं कहा माता फोन आएगा क्या कर दो
आप अपन ने क्या किया, मल्टीप्लाई नहीं किया ना, सेव ओवर टाइम बट प्रैक्टिस के बाद थोड़ा सा प्रैक्टिस में आगे अपन से कर रहे हैं, गलती नहीं हो रही, अदरवाइज हमको वही फॉलो करना है। 2000 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
टू रिटर्न आएगा तो तीन नंबर यहाँ होगी, चार पाँच छ सात आठ और नौ, सही डाउट बन जाएगी कि नहीं बनेगी बताओ, नॉन जीरो कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 16 ही है, ध्यान देना, कंडीशन नंबर टू। अब मान लो अब एग्जाम में आ गया ये, फॉर एग्जाम्पल, तो मेरे को दोबारा टेबल कायदे से नहीं बनानी चाहिए, क्या करूं? इसी पैसे को मुझे एडजस्ट नहीं करना नीचे। कंडीशन टू क्या लिखी, व्हेन द एक्सेस मनी यूज ऑन अलॉटमेंट, है ना, उस एक्स्ट्रा पैसे को कहाँ यूज करना है, अलॉटमेंट में। जब एक्स्ट्रा अलॉटमेंट में यूज होता है तब क्या क्या करते हैं हमारे, हमारे पास 2000 एप्लीकेशन थी, सॉरी 2200 एप्लीकेशन थी, तो हमको कितना चाहिए था एप्लीकेशन में, 20 रुपए अलॉटमेंट में, 30 फर्स्ट कॉल में, सेकंड कॉल में, टोटल 100, यानी 2000 शेयर का 20 रुपए के हिसाब से मुझे कितना चाहिए था, 40,000, 2200 शेयर का 20 रुपए के हिसाब से मुझे कितना मिला, 44, अब तो तुम्हारी भाषा में 4000 एक्स्ट्रा मिला। What we do? Use on allotment. Condition number two. अब मुझे allotment में चाहिए कितना? 30 रुपए के हिसाब से मुझे चाहिए 60,000. जब मैंने 60,000 पब्लिक से मांगा तो उसने बोला भैया 4,000 मेरा पड़ा हुआ है आपके पास. किस चीज का पैसा है ये? शेयर एप्लीकेशन में है ना, मैंने एप्लीकेशन में आपको 4,000 एक्स्ट्रा दिया था. चलो 20,000 है क्या? 2,000 है ना, ये 2,000 है ना नीचे, 2,000 शेयर का 25 रुपए के हिसाब से मुझे 50,000 चाहिए, और यहाँ भी मुझे 50,000 चाहिए, तो मुझे 50,000 मिल गया, यहाँ भी 50,000 मिल गया। अब एंट्री नंबर 1, 2, 3, 4 यहाँ माइनस करके लिख दें, 6,000, 5, 6, 7, 8 बन जाएगी। फोर वाली एंट्री पहले देखो, कभी भी नई एंट्री बने ना तो पहले बेसिक एंट्री करो, बस उसका फंडा ये होता है एक लाइन छोड़ दो। कैसे बेसिक एंट्री क्या है इसकी, बैंक अकाउंट डी आर टू अलॉटमेंट, मैंने लिखा एंट्री नंबर 4 बैंक अकाउंट डी आर, अब मैं एक लाइन यहाँ छोड़ रहा हूँ, मुझे तो नहीं मालूम कि प्लस में आना ऊपर आना है कि नीचे आना, मान लो मैंने एक लाइन छोड़ी टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अब ये माइनस हो रहा है, प्लस वाला सी आर माइनस वाला डी आर, माइनस यानी लॉस, लॉस हमेशा डी आर में, तो क्या है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डी आर। अब मैंने आपको बताया था जितने नाम अमाउंट वहां है उतने आएंगे, कॉम्बिनेशन वही बनेगा, एप्लीकेशन का कितना पैसा है 4,000, ठीक। अब यहाँ टोटल मनी इन दोनों का टोटल यहाँ आना चाहिए, यहाँ लिखूंगा मैं 60 और यहाँ लिखूंगा 50, क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन यही मैच करेगा। अगर मैं यहाँ 60 लिखूंगा यहाँ 64 हो जाएगा, यहाँ 64 तो है नहीं, यानी मेरी गलती हो गई। हमको कॉम्बिनेशन दिमाग में रखना है ताकि याद रहे, है ना, एनी डाउट चलेगा, ठीक बनाओ एक बार। हाँ करो कि नहीं, एग्जाम चल रहे हैं। चल चल।
हाँ जी हाँ दो बार करनी, एक बार नौ एक बार आठ लगाओ। जल्दी लगाओ बस वो पता है कौशिक ने मैच किया था वही जवाब आ गए हैं बता बाकी
Thank you.
ये क्वेश्चन नंबर 16 ही है। इसमें एक बार पैसा जो 2200 पैसा है वो रिटर्न किया गया है और सेम क्वेश्चन में वही पैसा एडजस्ट किया गया। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 में कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। इसको बोलते हैं एट पार। एट पार का मतलब है जितने रुपए का शेयर उतने में इशू हो गया, कोई लफड़ा नहीं है। वहां पर 12,000 शेयर थे, 2 रुपए 4 रुपए 4 रुपए मल्टीप्लाई करके लिख दिया, सीधे 6 इंटिया कर दिए सिंपल। इसमें भी सीधे 6 इंटिया कर दिए सिंपल। इट इज नोन एज एट पार। क्या बोलते हैं? अगर 100 का शेयर 100 में बिका, 10 का शेयर 10 में बिका, इट इज कॉल्ड शेयर सोल्ड या इशू एट पार। क्या एट पार? पी के आर पार ऐड करना यार, ठीक है ना? मैं पार बनाना है। इशू एट पार बोलते हैं। अगर तुमने शेयर को 100 का शेयर 110 में बेचा, 10 का शेयर 11 में बेचा, इसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, यानी आपने एक्स्ट्रा में पैसा लिया। तो मान लो किसी स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा, 20 सीट है, 200 एप्लीकेशन है, तो वहां तो क्या बोलते हैं स्कूल वाले, डोनेशन दो। दैट डोनेशन एक्चुअल फीस है 20,000, लग रहा है 2,00,000। तो 2,00,000 1,80,000 वो क्या है? प्रीमियम, यानी एक्स्ट्रा पैसा। ये वाली क्या नहीं बनती है, बैंक अकाउंट दिया तू अलॉटमेंट, ठीक है? बैंक अकाउंट दिया तू अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट दिया तू अलॉटमेंट, ठीक है? ये माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा नाम वहां लिखते हैं माइनस भी आ रहा है। ये पैसा तो 4,000 आया, कहाँ से आया है? वही शेयर डीआर में लिखना, तो डीआर शब्द लिखना पड़ेगा। अब 4,000 इसका पैसा है, 400 बैंक में आया, टोटल 7,000। बाकी सारी इंडिया से वोटर दिए ना, बन जाएंगी ना, बनने में गलती ना हो बस। ओके, अब ध्यान दो क्वेश्चन नंबर 19, इतना पढ़ना बंद करो। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 में कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन चेक करो, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 दो, कंपनी इशू 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 20 ईच एट 10% प्रीमियम, लिखा है 20,000 शेयर इशू कर रहे हैं, मैंने लिखा 20,000 शेयर, 20 रुपीज का एक, मैंने लिखा 20, तो लिखा था 10% प्रीमियम, तो 20 रुपए का 10% क्या आएगा? 2 रुपए, मैंने लिखा +2 एक्स्ट्रा। आगे लिखा है ऑल मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, इंटायर अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, लिखा है पूरा पैसा कहाँ मिल गया? अगर लमसम लिखा होता तो हम यहाँ क्या लिखते थे? होल्डर। और ये लिखा है पूरा पैसा कहाँ मिला? एप्लीकेशन में, तो हम क्या लिखेंगे? एप्लीकेशन है अलॉटमेंट। याद है क्वेश्चन 3 करवाए थे, एक लमसम का, 2 लमसम के क्वेश्चन थे, एक एप्लीकेशन का। जब पूरा पैसा एप्लीकेशन में मिलता है तो हम वर्ड लिखते हैं एप्लीकेशन है अलॉटमेंट। अब यहाँ वैल्यू लिखेंगे, 20,000 शेयर का 20 रुपए के हिसाब से हमको 4,00,000 रुपए चाहिए और 20,000 शेयर का 2 रुपए के हिसाब से हमको 40,000 का प्रीमियम का चाहिए। टोटल क्या होगा? 4,40,000।
यही फोर लाख फोर टी यहाँ गया। पहली एंट्री क्या बनी थी? बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। दूसरी एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल और प्लस हो रहा है ना टू सिक्योरिटी प्रीमियम, तो प्लस हो रहा है तो सीआर में लिखा टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो प्रीमियम का कितना था? 40। शेयर का 4 लाख, टोटल 4 लाख 40। क्योंकि मैंने आपको एक चीज दिमाग में सेट कर दी है, क्या कॉम्बिनेशन में जितनी डिजिट है वही डिजिट यहाँ पे दूंगी, और नई डिजिट नहीं पैदा होनी चाहिए। सीधा है, प्लस है तो सीआर में लिखना है, माइनस है तो डीआर। यहाँ क्या हुआ था? ये माइनस हुआ था, हमने कहाँ लिखा? डीआर। यहाँ वही वैल्यू क्या हो रही है? प्लस। कहाँ लिखेंगे? इसका नाम क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम। मैंने क्या लिखा है? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। चलेगा? डन। चले मूव टू द नेक्स्ट वन। ज्यादा घंटा
80 कितना बचा? अभी सबका टोटल 100 रुपए आ रहा है प्लस 5 रुपए का प्रीमियम। यस या नो? यस क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन में क्या लिखा था? 20 एप्लीकेशन तो क्या लिखा है? 35 अलॉटमेंट विद प्रीमियम लिखा है। 30 रुपए 35 रुपए में प्रीमियम इंक्लूड है, तो प्रीमियम पहले अलग लिखो 5 रुपए। क्यों 5 का प्रीमियम है? अब कितना बचा? 30 टोटल 35 आ गया। 105 लिखा है। अब 105 30 रुपए अलॉटमेंट लिखा फर्स्ट कॉल बैलेंस ऑन सेकंड कॉल लिखा है रिमेनिंग या बैलेंस सेकंड कॉल। अब कितना बचा? 30 रुपए। या तो आप 100 रुपए से चलाओ नहीं तो 105 से चलाओ। चलो 30 रुपए 65 और 20 85 टोटल क्या है? 105 कितना बचा? 20 रुपए। अगर 100 पे चलाओगे तो प्रीमियम छोड़ दो, क्योंकि प्रीमियम आप ऑलरेडी लेके नहीं चल रहे हो, और प्रीमियम को लेके चल रहे हो अगर 105 लेके तो प्रीमियम को इंक्लूड करके काउंट करो, 20 ही आएगा। अगर हम प्रीमियम इंक्लूड करें 105 पे चलेंगे तो 85 टोटल आएगा, और अगर 100 को लेके चलेंगे तो हम प्रीमियम छोड़ेंगे क्योंकि हम टोटल में प्रीमियम को नहीं ले रहे, तब 80 टोटल आएगा। अगली लाइन क्या लिखी पढ़ो? ऑल द शेयर वेयर अमाउंट वाज रिसीव्ड फॉर द जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रिपेयर बैलेंस। बोलो एक क्वेश्चन था, क्या अगर प्रीमियम माइनस किया जाए प्लस कर दिया जाए? देखो ध्यान से 5000 शेयर नहीं है, ढूंढ लेना। मैं तो सोचा था जिसके खान इतना ठीक हो जाएगी। ध्यान दो, यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है। अब यहाँ प्रीमियम है, ध्यान देना, मल्टीप्लाई बाय 30 तो 1,50,000 हुआ, और मल्टीप्लाई बाय 5 यानी 20, ये प्लस होगा कितना बचा? 175। यहाँ आ जाएगा सीधे 175 मल्टीप्लाई बाय 30। सेम पैटर्न तो होनी है, करेक्ट? क्या एंट्री बनेगी वाली? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अमाउंट दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये प्लस हो गया था, माइनस क्या आ रहा था? डन। बाकी इंडिया सर देखिए क्वेश्चन किया है आपने, आप ये बोल रहे हैं कि क्वेश्चन नहीं किया है, माइनस करके नहीं किया, बना दिया। किया तो था ना, माइनस नहीं किया, पैसा लगना नहीं, काय झगड़ा करें? चलो इशू कितने शेयर है? 5000 यानी क्या वैल्यू? 20 each at 22 यानी 20 रुपए का शेयर प्रीमियम कितना? क्या बोले पढ़ो? हाँ 2 रुपए दादा, 2 रुपए ज्यादा ले रहा है ना, 20 का शेयर 22 में बेचा। अगली लाइन
द अमाउंट और शोन सिक्स ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में कितना है? अलॉटमेंट 12 विद प्रीमियम, यानी क्या लिखेंगे? 10 प्लस 2 हो गया 12, 2 रुपए प्रीमियम है, 12 रुपए बोल रहा है विद प्रीमियम, इसमें प्रीमियम इंक्लूड है 10 प्लस। तो अगली लाइन 4 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल कितनी हो गई? 4, 5000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 6 कितना आएगा? अर्जी राउंड है मल्टीप्लाई बाय 10, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2 10,000, ये प्लस हो जाएगा टोटल हो गया 60 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल 2 सिक्योरिटी, इसका नाम सिक्योरिटी चलिए क्वेश्चन नंबर 22 ध्यान दो इधर। Zen Limited issued 3,000 share. 6% preference share. Calculate. ये कुछ पूछना चाहता है। कहाँ share capital account? मैं बोली, sir, 6% preference share capital account. समझ में नहीं आता, क्वेश्चन में क्या लिखा पढ़ो? 12 रुपए ऑन अलॉटमेंट विद प्रीमियम। 12 रुपए का अलॉटमेंट है प्रीमियम के साथ। प्रीमियम कितना होगा? 12 में से प्रीमियम कितना है? बचा 10, तो 10 प्लस 2 बराबर। अगली लाइन देखो, 6% डिफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच, शेयर की वैल्यू कितनी है? 100। आगे ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है, 10% प्रीमियम, 10 रुपए, 100 रुपए का 10%, 10 रुपए तो हो गया टोटल 100, 10 चलेगा। अगली लाइन देखो क्या लिखी है, 21 एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में कितना देना है, अलॉटमेंट कितना है, लिखो देखो ध्यान से, 40 ऑन अलॉटमेंट विद प्रीमियम 10, ध्यान दो क्या बोल रहा है, 20 ऑन अलॉटमेंट विद प्रीमियम 10 रुपए, 40 ऑन अलॉटमेंट, 40 मतलब 30 प्लस 10 इज इक्वल टू, फर्स्ट कॉल कितना बोल रहा है, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल बैलेंस, कितना बचा? 50 और 20, 70 और 10, 80, यानी 50 और 20, 50 और 20, 70 और 20, 80, ये हो 100, 50 रुपए का प्रीमियम, ये टोटल मारो 20 और 40, 60 और 20, 80 और 10, 90 और चाहिए 110, 20 और 10 मल्टीप्लाई कर दो 3,000 × 20 × 30 × 10 ये सही है,
तीनों क्वेश्चन एक जैसे बस उसने यूपी की जगह हो गया वर्ड प्रेफरेंस है नेक्स्ट क्वेश्चन 23 तीन और एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट कितना है विथ प्रीमियम यानी क्या होगा फर्स्ट कॉल कितना है ₹4 सेकंड कॉल ₹6.75 10 2 और हमारे क्या एप्लीकेशन कितनी आई 12,000 यानी 2,000 एक्स्ट्रा। अब उनका क्या लिखा है द शेयर मनी ऑफ 2000 शेयर दे रिटायर्ड। चलो बच गए भगवान वाला करे यानी 2000 शेयर का जो पैसा है वो क्या करना है रिटायर्ड नहीं करना है। तो आपको 12,000 शेयर का जो पैसा मिला ₹3 के हिसाब से कितना मिला 36,000 चाहिए कितना था 10,000 शेयर का ₹3 के हिसाब से 30,000 तो एक्स्ट्रा मिला 6,000 जो आपने क्या कर दिया रिटर्न। यहाँ मल्टीप्लाई में लिख देते हैं इतना तो देखो करना मत मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा 30,000 प्लस प्रीमियम का 20,000 टोटल 50,000 कहाँ लिखेंगे इधर मल्टीप्लाई बाय 4 40,000 1, 2, 3, 4, 5, 6 रिटर्न कब होगा उसके नंबर में लिखा तीन नंबर में लिखा ना हर बार रिटर्न वही हो रहा है ना एडजस्ट होगा तब अलॉट में आएगा ना क्वेश्चन में क्या था 16 नंबर वाले में क्या था एक बार पैसा रिटर्न हुआ था फिर एडजस्ट हुआ था रिटर्न कब होता है एप्लीकेशन के तुरंत बाद अलॉटमेंट नहीं होने पाता सेकंड एक फर्स्ट और सेकंड हुई वर्ड एंट्री रिटर्न की करेंगे फिर अलॉटमेंट करके शुरू करेंगे। अगर यही बोल दे दिस मनी वाज एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट तो ये घूम घूम के नीचे आएगा वहां से माइनस हो जाएगा। यस सर यही तो कर रहे थे इसमें क्या लिखा है मनी वाज रिटर्न रिटर्न में क्या करते थे पहली एंट्री का दो कंडीशन है कि एक्स्ट्रा शेयर आते हैं पहली कंडीशन पैसा वापस दूसरी कंडीशन पैसा एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट पैसा ये वापस की एंट्री का तरीका क्या बताया पहली एंट्री का
बहुत पैसा लेगा।
लास्ट क्वेश्चन 25, 26 से नया चालू होगा। ₹5,000 नेक्स्ट लाइन 22 ऑन एप्लीकेशन विद ₹2 प्रीमियम। एप्लीकेशन कितना बोला है? 22 अलॉटमेंट कितना बोला है? 30 प्लस 5 पैसे 29 25 चार का है। सेकेंड कॉल 25 प्लस 1 टोटल कितना हुआ? दोनों क्वेश्चन सेम है ना सर? सबसे वो पूछिए ना पहले नहीं कल कल दस ले।